तो गाइस हम आ चुके हैं सीबीएसई हेडक्वार्टर। तो अभी हम अंदर जाएंगे, अभी लंच का टाइम है, अभी जा रहे हैं हम घूमने के लिए। हम गए थे 0 डिग्री, भाई साहब इतना बेकार था, हम आज से बाद में जाऊंगा नहीं। उसमें पिज्जे के नाम पे बिस्कुट दे रखा था। राम राम जी। हम बैठेंगे यहाँ पे, बैठेंगे हमारे अमृतसरी नान भी आ चुकी हैं, सोयल के छोले भटूरे ये रहे, आधे खा लिए तो अब किन्हें खाते हैं। काम के लिए हम आए थे, वो तो अभी तक कर रही नहीं, इसमें हमारी क्या गलती। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ नोएडा सीबीएसई हेडक्वार्टर, बिकॉज मेरी 10th की मार्कशीट में नेम चेंज होना है और मैं दूसरी बार जा रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर गया था, बट कुछ कमी रह गई थी जो मैं आज लेकर जा रहा हूँ। अगर आपको फर्स्ट व्लॉग देखना है तो आई बटन पे आ रहा होगा, वहाँ पर इस व्लॉग के बाद देख सकते हो। मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड सोहेल के साथ और बाकी की डिटेल मैं आपको व्लॉग में आगे बताऊंगा, तो एंड तक व्लॉग को जरूर देखना। सो चलते हैं। तो गाइस ये आ गए हम दुकान पे, पहले जल्दी से सभी डॉक्यूमेंट के प्रिंट निकलवा लेते हैं, फोटोकॉपी वगैरह निकलवा लिया है। अब सोहेल आने वाला है और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, 11:30 से 12 बज गए, मुझे आधा घंटा फोटोकॉपी वगैरह कराने में, तो चलते हैं जल्दी से। तो गाइस हम आ चुके हैं सीबीएसई हेडक्वार्टर और सोहेल मेरे दोस्त के साथ, ये रहा सोहेल। तो अभी हम अंदर जाएंगे, अभी लंच का टाइम है, अभी जा रहे हैं हम घूमने के लिए यहीं पे आसपास। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा सीन क्या है, क्यों मैं सीबीएसई के चक्कर काट रहा हूँ। दूसरी बार मैं सीबीएसई आ रहा हूँ, पहली बार आया था तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था अपने पूछने की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो अब मैं जब से मैंने फिर डॉक्यूमेंट जीमेल कराई, उसके बाद मैं दूसरी बार आ रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स खुद लेकर, क्योंकि जीमेल उन्होंने जब से देखी नहीं, 3-4 बार मैंने सेंड कराई थी स्कूल की तरफ से। और मतलब बस ये मेरा ये अच्छा है कि स्कूल की तरफ से मेरा हो रहा है, बिकॉज जिसका स्कूल की तरफ से नहीं होता, जो अलग से ही जिनकी खुल जाती है मार्कशीट, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उन्हें न्यूज़पेपर्स की हेल्प लेकर बहुत ज़्यादा झंझट होता है गाइस इसमें। तो अभी मेरे स्कूल की तरफ से हो रहा है, तो ज़्यादा मुझे बस अपनी डॉक्यूमेंट्स इन्हें देनी है और उसके बाद 1 से 1.5 या 2 महीना लगेगा मुझे अपने जो मार्कशीट का वो चेंज होने में। जैसे भी है वो, अभी दूसरी टाइम आ रहा हूँ, पता नहीं अब एक बार और आना पड़े क्या पता। गाइस अब हम दोनों जा रहे हैं मॉल में कुछ खाने पीने के लिए, भूख लग रही है बहुत तकड़ी, और फिर आएंगे 2 बजे यहाँ पे, फिर डॉक्यूमेंट्स जमा करके फिर जाएंगे वापस घर पे। थोड़ी सी जगह बना देना। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ हेलमेट कैसे लगाने, दो हेलमेट हमारे पास। तो सबसे पहले अपनी ये वाली टंकी खोलनी है और इसमें लगाने हैं तुम्हें ये कुछ इस टाइप से, ऐसे कर देंगे, ऐसे लग गए और ले गए। ये होता है जुगाड़, देखो इतना छपरी आदमी हुआ, कोई ले जा भी सके है सोहेल, अगर कोई हुआ साला छपरी लेगा टंकी कोई तोड़ के हमारी को। यहाँ देखो तुम्हारा स्टारबक्स है, 24/7 है, मैकडोनाल्ड्स है। हम गए थे 0 डिग्री, भाई साहब इतना बेकार था, हम आज से बाद में जाऊंगा नहीं। उसमें पिज्जे के नाम पे बिस्कुट दे रखा था। राम राम जी। हमारे अमृतसरी नान भी आ चुकी हैं, सोहेल के छोले भटूरे ये रहे, आधे खा लिए तो अब किन्हें खाते हैं। गाइस हमने खा लिया है और अभी चलते हैं अपने वर्क के लिए। 2 से ज़्यादा हो रहे होंगे, टाइम क्या हो रहा, टाइम क्या हो रहा, 2:30 बजने वाले हैं, 2:30 चलते हैं हैंड वॉश करके। सोहेल कैसा था तेरा? आलू पराठे नहीं मिले गाइस, मेरे लच्छा पराठा था, लच्छा पराठा मुझे अच्छा नहीं लगता, पनीर पराठा या लच्छा पराठा, अमृतसरी कुलचा था और तुम्हारा रोटा, छोले भटूरे अच्छे थे। हेलमेट गायब हो गए होंगे तो मोए मोए हो जाएंगे, मोए 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 मोए। आज हेलमेट गायब हो गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, यहाँ से कम 50 चालान कटते हुए जाएंगे, धड़ 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 धड़। अगर आप बाहर हो तो आप जरूर इस जुगाड़ को ट्राई करना। इस बाइक ने तो नहीं रख दिया अपना हेलमेट, पर हमारे 2 हेलमेट थे इस वजह से रिस्क नहीं ले सकते थे बिल्कुल भी। तो अब हम जा रहे हैं सीबीएसई हेडक्वार्टर दोबारा,
दो से ढाई बज रहे हैं, वैसे तीन बजने को जा रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपने जो इस काम के लिए हम आए थे वो तो अभी तक कर रही नहीं, इसमें हमारी क्या गलती। हम आए थे वैसे लंच के टाइम ही आते हैं, आज तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फोक था। 12 बजे हम घर पे निकले थे, एक घंटे में हम आ गए। ठीक है ये देखो गाजियाबाद का हाल, कोहरा कोहरा हो रहा। टाइम देख लो एक बार, तो चलते हैं अभी सोहेल को भाई बोल देते हैं। चलो ठीक है मिलते हैं। ठीक है भाई, चलो गाइस चलते हैं। पाँच बज रहे हैं तो सोहेल ने दूध ले लिया। सोहेल को दूध ले जाना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि अगर कल खाली हाथ जाएगा ऊपर से लेट तो मम्मी बहुत बुरी डांट लगाने वाली है।